देखो यार, दो दिन पहले टोयोटा ने अपनी फुल साइज एसयूवी कार का थर्ड जनरेशन मॉडल लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है सिकोविया। देखो यार, नाम प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा अजीब है, लेकिन ये कार काफ़ी ज़बरदस्त है। इसके एक्सटीरियर में, इसके इंटीरियर में और इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस के अंदर काफ़ी बड़े अपडेट्स करे गए हैं। सबसे बड़ा चेंज इसके इंटीरियर में आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ही एडवांस फीचर के साथ ये कार आ जाती है, लेकिन टोयोटा कंपनी ने इस कार के अंदर टुंड्रा वाला और लैंड क्रूजर वाला प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया हुआ है। टोयोटा की ये कार एक फुल साइज एसयूवी कार है, जो कि 7 सीटर और 8 सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ आ जाती है। इसको सबसे पहले 2000 में लॉन्च किया था, यानी इसका फर्स्ट जनरेशन मॉडल आया था 2000 में। उसके बाद 2007 में इसका सेकेंड जनरेशन मॉडल लॉन्च किया था, और दो दिन पहले यानी 25 जून को इसका थर्ड जनरेशन मॉडल लॉन्च किया, जिसके अंदर काफ़ी बड़े अपडेट्स करे गए हैं। सबसे पहले इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर अब आपको नया 3.5 लीटर वाला ट्विन टर्बो V6 इंजन देखने को मिल जाएगा, जो कि इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आता है। यानी आपको इसके अंदर हाइब्रिड इंजन देखने को मिल जाएगा, और ये इंजन लगभग 443 PS की पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर पाता है। इसके अलावा इसके अंदर आपको 790 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिल जाएगा। सेकेंड जनरेशन मॉडल के मुकाबले इसकी पावर आउटपुट भी इंप्रूव हुई है और इसका टॉर्क भी इंक्रीज हुआ है। तो इसके अंदर आपको फॉर्च्यूनर से डबल पावर देखने को मिल जाएगी। हालांकि फॉर्च्यूनर लगभग 201 BHP की पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर पाती है, लेकिन टोयोटा की ये फुल साइज एसयूवी कार लगभग 443 PS की पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर पाती है। लेकिन इस कार के अंदर 10-speed ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो ये रहा इसका इंजन स्पेसिफिकेशंस और गियरबॉक्स। इसके एक्सटीरियर लुक की अगर मैं बात करूँ, तो इसका फ्रंट फीशिया, इसका रियर का प्रोफाइल और साइड का प्रोफाइल कम्प्लीटली चेंज किया है, कम्प्लीटली रीडिजाइन किया है एज कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन मॉडल। इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा नए एलिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि इसके फ्रंट फीशिया में अब आपको नई ग्रिल्स देखने को मिल जाएंगी, जिसके ऊपर आपको क्रोम की फिनिश भी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा टी शेप में LED हेडलाइट का सेटअप इसके अंदर दिया हुआ है। LED DRL का इस्तेमाल भी इसके अंदर किया हुआ है। इसके फ्रंट में आपको ड्यूल टोन कलर के बम्पर्स देखने को मिल जाएंगे। हालांकि इसका जो फ्रंट का फीशिया है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा और मस्कुलर दिखने में है। इसका साइड प्रोफाइल भी काफ़ी कमाल का है, हालांकि ये साइड से दिखने में काफ़ी लंबी लगती है। डेफिनेटली इसके इंटीरियर में आपको अच्छी खासी स्पेसिंग देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर कंपनी ने ड्यूल टोन कलर के अलॉय व्हील्स का इस्तेमाल किया हुआ है। हालांकि जो ऑफ रोडर वाला वेरियंट है उसके अंदर 20 inches के अलॉय व्हील्स दिए जाएंगे, लेकिन जो नॉर्मल वेरियंट आता है स्पोर्ट्स वाला, उसके अंदर 18 inches के अलॉय व्हील्स दिए जाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर आपको रूफ रेल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और इसके डोर हैंडल के ऊपर और इसके ORVM के ऊपर आपको क्रोम फिनिशिंग की ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर अलग अलग कलर ऑप्शंस दिए जाएंगे। वही अगर इसके रियर फीशिया की बात करूँ, तो इसका रियर का फीशिया आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। रियर से दिखने में भी ये काफ़ी बढ़िया लगती है। इसके रियर में आपको न्यू डिज़ाइन LED टेलाइट का सेटअप मिलने वाला है। इसके अलावा रूफ माउंटेड स्पॉयलर, रियर वाइपर और बाकी के एलिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। एक्सटीरियर लुक से ये कार काफ़ी ज़बरदस्त दिखती है। इसका रोड प्रेजेंस डेफिनेटली कमाल का रहने वाला है। इंटीरियर फीचर्स की अगर मैं बात करूँ, तो इसके इंटीरियर में बहुत बड़े अपडेट्स करे गए हैं, और इसके इंटीरियर में काफ़ी प्रीमियम फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि इसके अंदर अब आपको 14 इंच का नया टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा, जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इस कार के अंदर आपको कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। एम्बियंट लाइटिंग का इस्तेमाल इसके अंदर किया हुआ है। हालांकि इसका इंटीरियर का थीम ड्यूल टोन कलर का रखा हुआ है। इसका डैशबोर्ड भी काफ़ी बढ़िया है। हालांकि इसके डैशबोर्ड के ऊपर आपको व्हाइट कलर की फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी, वो वाला मॉडल दिखने में काफ़ी कूल लगता है। इस कार के इंटीरियर में काफ़ी प्रीमियम लेदर का इस्तेमाल किया हुआ है सीट्स के ऊपर, अपोस्ट्री और आर्मरेस्ट के ऊपर, जिसकी मदद से इसका कम्फर्ट लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। इसके अलावा ड्राइवर के लिए मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील का ऑप्शन इसके अंदर दिया जाएगा। फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल जिसकी साइज रखी है 12.3 इंच की, ये भी काफी कमाल की बात है। इसके अलावा पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन भी इस कार के अंदर ऑफर किया जाएगा, और इस कार के इंटीरियर में काफी जगह पर आपको वुडन की फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि एक प्रीमियम लगती है, इसके इंटीरियर को प्रीमियम टच देती है। इसके अलावा अच्छे खासे फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया, ये कार 7 सीटर और 8 सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ अवेलेबल है, और ये एक फुल साइज एसयूवी कार होने वाली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, वो है इसकी लॉन्चिंग। टोयोटा कंपनी इसको इंडिया में लॉन्च करेगी या फिर नहीं? सिंपल सी बात है, इसको इंडिया में लॉन्च नहीं किया जाएगा। हालांकि लैंड क्रूजर को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, जो कि न्यू जनरेशन लैंड क्रूजर है, उसको इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च किया जाना है, लेकिन टोयोटा इसको इंडिया में लॉन्च नहीं करेगी।
करने वाली, क्योंकि इसको 2000 में लॉन्च किया था सबसे पहले, लेकिन टोयोटा तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करने वाली। टोयोटा की जो आने वाली कार है वो है RAV4, जिसको बहुत बार स्पाइड भी किया जा चुका है। इसके अलावा टोयोटा कंपनी एक मिड साइज जैसे भी कार को इंडिया में लॉन्च करेगी, और इसके बाद टोयोटा रूमियन अगले महीने रूमियन इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकती है, जो कि मारुति सुजुकी अर्टिगा का रिबैज वर्जन रहने वाला है। हालांकि टोयोटा कंपनी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल भी नहीं करेगी, कुछ कारें मारुति सुजुकी की रहेंगी और कुछ कारों को इंडिया में इंपोर्ट किया जाएगा, जैसे कि RAV4 हो गई, इसके अलावा बाकी की कारें हो गई। लेकिन इसकी जो कीमत है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यूएस के मार्केट में इसको बेचा जा रहा है काफी लंबे समय से, और यूएसए में इसके सेकेंड जनरेशन मॉडल की कीमत स्टार्ट होती है $50,000 से। सेम अमाउंट अगर मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूँ तो वो हो जाती है लगभग 37 लाख रुपीज। अगर इसके सेकेंड जनरेशन मॉडल को भी इंडिया में लॉन्च किया जाता तो उसकी कीमत 50 लाख रुपए के ऊपर चली जाएगी। आपको क्या लगता है, टोयोटा ने इस कार को इंडिया में लाना चाहिए या फिर नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना।